फाइनली द हेमर जेम इवेंट आर हियर गाइस, एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आप लोग को क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर आज ही देखने के लिए मिलेगा, एंड उसी के साथ में गाइस इसके अंदर आप लोग को क्या क्या चीज़ें देखने की मिलेगी, कितना टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड गाइस और भी बहुत सारे हिंट मिले जो कि आप लोग को वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। एंड भाई टाउन हॉल 17 के स्निक पिक वगैरह को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। सबसे पहले गाइस आप लोगों को 50% अपग्रेड टाइम रिडक्शन एंड 50% कॉस्ट रिडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा हेमर जेम इवेंट के थ्रू। एंड आप लोगों में से कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई हमने गोल्ड पास ले रखा है तो 20% कहां पर जाएगा, वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। एंड जैसा कि भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहां पर अपने जो बिल्डिंग्स वगैरह है उन पर गाइस ये अप्लाई हो रहा है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहां पे 50% यहां पे टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल चुका होगा, आप लोग टाइम भी यहां पे चेकआउट कर सकते हो। और भी गाइस आप लोग अपना पर ईगल मशीन का भी टाइम देख सकते हो, भाई यहां पे 7 days 18 hours के आसपास हो चुका है, नहीं 50% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल चुका है। एंड आप लोग कोस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो भाई, जो अपना गोल्ड के साथ में अपग्रेड होता है। एक्सबो का भी भाई सेम हाल है, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यानी कि भाई सभी बिल्डिंग्स डिफेंसेस के ऊपर आप लोग को ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग को सभी यहाँ पर डिफेंसेस वगैरह के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई अपने बिल्डर्स हट के ऊपर भी ये टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। एंड भाई उसके बाद आप लोग को ये हीरोज के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन आप लोग को सभी हीरोज के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपने यहाँ पे रॉयल चैंपियन के ऊपर, यहाँ पे 4 दिन का टाइमिंग लग रहा है लगभग 41 लेवल अपग्रेड होने में। एंड आप लोग कॉस्ट भी देख सकते हो भाई, इसका भी यहाँ पे 50% यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। ओके, एंड उसके बाद अपना जो भाई बुड्ढा है किधर गया भाई, अपना वार्डन ग्रैंड वार्डन, ये चेकआउट कर सकते हो भाई, इस पर भी यहाँ पे 50% यहाँ पे अप्लाई हो चुका है लगभग। हाँ भाई सभी हीरोज के ऊपर आप लोग को 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग अपने बाकी के हीरो को भी देख सकते हो, अपना किंग किधर गया भाई, किंग एंड क्वीन भी बाकी अभी तो। ओके, एंड आप लोग यहाँ पे अपने किंग के ऊपर भी भाई, सॉरी ये क्वीन के ऊपर देख सकते हो भाई, यहाँ पर भी अपना 50% यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो भाई आप लोग को सभी हीरोज़ के ऊपर ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं आप लोग को किंग का भी दिखा देता हूँ भाई, वरना आप लोग को लगेगा कि भाई किंग किधर गया, सिर्फ 3 ही हीरोज़ को हमें दिखाए भाई, किंग तो बहुत लोगों के लिए शायद मेन होता है, जैसा भाई मेरे लिए काफ़ी लक्की है किंग। ओके, इधर गया भाई मेरा फेवरेट हीरो, ये रहा भाई साहब अपना किंग, इसके ऊपर भी ये सब अप्लाई हो चुका है 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यस भाई इस महीना तो भाई आप लोग को बिल्कुल से भी ऑफलाइन नहीं जाना भाई, लगातार आप लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस को प्ले करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद भाई ये सारी चीज़ें अपने ब्लैक स्मिथ पर भी अप्लाई होने वाली, जो कि भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक स्मिथ का अगर आप लेवल को अपग्रेड कर दो तो यहाँ पर भी गाइस आप लोगों को टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि भाई आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा इस वाले गेम प्ले के अंदर। एंड यस गाइस बिल्कुल सभी भाई इस मंथ का जो आप लोग को क्लैश ऑफ क्लैंस का हेमर जेम है ना, उसको मिस आउट नहीं करना भाई, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने की मिलेगी। अगर आप लोगों ने भाई गोल्ड पास ले रखा तो फिर तो भाई साहब आप लोग 3-4 महीने का काम सिर्फ 1 महीने के अंदर ही कर सकते हो, अगर आप लोग फुल्ली एक्टिव बंदे हो तो। तो देखना भाई आपके हिसाब से अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो। ऑल राइट, एंड ये सारी चीज़ें आप लोग के भाई लेबोरेटरी के ऊपर भी अप्लाई होने वाली, 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो लेब का, अगर आप लोग लेवल अप करते हो उसको अपग्रेड करते हो तो। तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपने आप पर, सबसे पहले किसको अप्लाई करें भाई, अपने बारबेरियन को देख लेते हैं, यहाँ पे भाई चेकआउट कर सकते हो लेवल 11 ओनली 3 दिन के अंदर। भाई साहब मैंने जब इसको अपग्रेड किया था तो भाई लगभग कितने दिन लगे थे, आई थिंक 8 से 10 दिन के आसपास मुझे लग गए थे। पेक्का के ऊपर भी भाई यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, बाकी जो अपने भाई यहाँ पे लूंस के ऊपर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड यस गाइस सभी अपने हीरो या क्या बोलते हैं भाई साहब, अपने यहाँ पे आर्मी वगैरह, स्पेल्स वगैरह, स्विंग मशीन्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भाई थोड़े बहुत मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सबको भाई दिखाने बैठिया समझ सकते हो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं भाई आप लोगों को थोड़े बहुत ट्रूप्स को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग चेकआउट कर सकते हो इलेक्ट्रो वगैरह के ऊपर भी अप्लाई हो चुका है, एंड अपना जो माइनर है भाई यहाँ पर भी, यानी कि भाई मैं आप लोग बता रहा हूँ कि सभी ट्रूप्स के ऊपर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन। एंड उसके बाद अपने यहाँ पर रेंज स्पेल पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग जैसे आगे प्ले करते हैं, अभी आप लोग अपना यहाँ पे पॉइजन स्पेल को भी देख सकते हो भाई, मैं आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे स्किप करके दिखा रहा हूँ भाई, सभी का सिलेक्टेड करना इट्स नॉट पॉसिबल, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस अपना ओवर ग्रोथ स्पेल को भी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, एंड यहाँ पे अपने होक को भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई, ये काफ़ी लोगों के लिए मेन हो सकता है। एंड इस पर भी गाइस 6 दिन का टाइमिंग लग रहा है 12 लेवल अपग्रेड करने में। एंड यहाँ पे आप लोग अपना हेड हंटर वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो भाई साहब। एंड उसके बाद हम लोग जैसे थोड़ा बहुत आगे प्ले करते भाई, यहाँ पे आप लोग को किसको दिखाऊं भाई अब मैं, ओके तो मैं आप लोग थोड़ा बहुत भाई साहब ये अपना आइस गोलेम को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पर भी आप लोगों को वही सीन देखने को मिलेगा, यानी कि भाई सभी आप लोगों को ट्रोप्स स्पेल्स वगैरह के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अपने सिंग मशीन्स के ऊपर भी भाई ये अप्लाई होने वाला है,
तो भाई आप लोग इनको भी मिक्स करना भाई, इस मंथ तो आप लोग को बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना भाई साहब, लगाओ जितना हो सके उतना आप लोग को अपग्रेडिंग करते रहना है। मैं तो भाई साहब फुल्ली एक्टिव रहूँगा इस मंथ तो कुछ भी हो जाए। एंड उसके बाद गाइस ये पेट हाउस पर भी अप्लाई होने वाला 50% टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन, जो कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर अपने सभी के पेट, यहाँ पर अपना क्या नेम भाई इसका LASI, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रो आउल वगैरह ये सब पेड़ भी आप लोग देख सकते हो भाई। एंड उसके बाद अगर हम लोग जैसे थोड़ा बहुत आगे करते हैं, यहाँ पे अपना माइटी एक या ओके ये भी आप लोग देखने के लिए मिलेगा। इस पर भी गाइस सेम टू सेम यानी कि सभी पेड्स के ऊपर भी भाई ये अप्लाई होने वाला है। तो भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है इस मंथ, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मंथ होने वाला भाई हम लोगों के लिए। एंड जिन्होंने भाई गोल्ड पास ले रखा है उनकी तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बल्ले बल्ले होने वाली। एंड यहाँ पर अपना ये भाई साहब अपग्रेडिंग डिगी, इस पर भी अप्लाई होने वाला है। एंड और कौन सा हीरो भाई ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग जैसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ते भाई अपना यहाँ फिनोक्स के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। एंड ऑल राइट ओके भाई, एंड अपना यहाँ पे टाउन हॉल को अपग्रेड करते टाइम भाई इस पर भी अप्लाई होने वाला है। ओके सो डोंट मिस आउट, अगर आप लोग को टाउन हॉल अपग्रेड करना है तो वो भी करो। अगर भाई मैं टाउन हॉल 14 पे था, अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही टाउन हॉल 15 अपग्रेड किया, इसी वजह से भाई हेमर जेम आ रहा है। मेरे बिल्डर खाली नहीं रखना चाहता हूं मैं, मेरे लगभग 5 से 6 बिल्डर भाई खाली पड़े थे, मेरा सब कुछ मैक्स हो गया था सिर्फ वॉल्स एंड कुछ हीरोज को छोड़ के। एंड गाइस अब आप लोगों में से कुछ महान प्लेयर के भाई क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई 20% गोल्ड पास के अंदर जो बूस्ट मिलता है प्लस 50% हेमर जेम का, इस हिसाब से तो भाई हमारा 70% बूस्ट बनना चाहिए। तो यस गाइस आप लोगों के लिए भाई गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का ये भी भाई अप्लाई होने वाला, यानी कि 70% आप लोगों को बूस्ट मिल जाएगा। चूंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो लोग गोल्ड पास लेगा उनका तो भाई साहब बल्ले बल्ले। तो यस गाइस आप लोगों का ये सब भी यहाँ पे अप्लाई होने वाला, अभी मैं आप लोगों को ये सब क्लिप भी यहाँ पे दिखा दूंगा। ऑल राइट गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई अपने आर्चर क्वीन को जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपने हीरोज को, तो यहाँ पर गाइस अपने यहाँ पे 50% हेमर जेम प्लस यहाँ पे 20% गोल्ड पास का यहाँ पे अप्लाई हो चुका, जो कि भाई आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो भाई गोल्ड पास का जो ये सब सिस्टम है भाई, ये आप लोग को यहाँ पर सभी पे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हीरोज, डिफेंसेस, लैब, पेट हाउस, जो आप लोग का हेमर जेम पे यहाँ पे यूज होगा, सेम टू सेम गाइस आप लोग का 20% यहाँ पे हीरोज पर भी यूज होने वाला है। एंड हाँ गाइस मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था कि आप लोग को 3x यहाँ पे रिसोर्स प्रोडक्शन बूस्ट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैसिव प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन स्टोरेज इंक्रीज ये सब भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसी वाले हेमर जेम इवेंट के थ्रू। तो भाई आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। सो अपने बुड्ढे के साथ में भी गाइस यहाँ पे 70% आप लोग बोल सकते हो भाई साहब। ओके एंड सो बस दोस्तों फिर यही था अपना आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल सभी ना भूले, सब्सक्राइब करके आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। बताना कमेंट करके कि भाई आप लोग कौन से टाउन हॉल के ऊपर हो, अभी टाउन हॉल 17 भी भाई बहुत जल्दी आने वाला है। ओके सो डोंट मिस आउट, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। टाउन हॉल 17 आने से पहले ही भाई आप लोग को स्नीक पिक वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी भाई मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड